<laughs> थैंक यू <laughs> <Yeah, laughs> एक इतना सारा पेंट। गाड़ी का ही नहीं पता चलता पार्क कहाँ की हुई है। अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आप सबको उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक-ठाक हैं और ये बात तो वाकई हकीकत है कि गाड़ी पहले बाहर निकलो तो ढूंढनी पड़ती है कि गाड़ी खड़ी भी कहां है। यहां पे मुझे आना था दरअसल पोगो Uh, मैंने कारपेट लिया हुआ था तकरीबन तो तीन हफ़्ते से मैंने इसको ऑर्डर किया हुआ था जब मैं लेने के लिए गई थी तो जो कारपेट मुझे चाहिए था वो हुआ हुआ था ख़त्म तो उन्होंने कहा कि आप इसका ऑर्डर कर दें तो आपको दो हफ़्ते में मिल जाएगा लेकिन नहीं जी दो हफ़्ते वेट करते करते चार हफ़्ते के बाद इन्होंने इनका मैसेज आया है कि आप अपना कारपेट आके ले जाएँ और वो भी ईद से एक दिन पहले तो ये मैं इरफ़ान के साथ उधर ही आई हुई थी इरफ़ान की भी जो आपसे वापस आए थे तो पहले हम लोग आ गए थे कारपेट लेने के लिए ये कारपेट दरअसल मैंने लिया था अपने किचन के लिए मैंने जहाँ पे मेरी डाइनिंग टेबल थी उसके नीचे मुझे ये बिछाना था लेकिन जब मैंने ये बिछाया यहाँ पे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तो मैंने यहाँ पे बिछा के देखा है और ये देखें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था तो मैंने यहाँ से इसको उठा के इसको मैंने ड्राइंग रूम में बिछा दिया और वहाँ पर ये बहुत प्यारा लग रहा है अब आ जाएँ ईद की तरफ आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हाँ ईद गुजरे हुए तकरीबन चार पाँच दिन हो गए हैं लेकिन आपको पता है कि जब ईद के दिन होते हैं तो वीडियो बनाना अपलोड करना और एडिटिंग करना काफ़ी मुश्किल काम होता है और वैसे भी मेरे घर में ईद की भी एक छोटी सी पार्टी थी और उसके बाद बच्चों की बर्थडे थी जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल सका तैयारी करने में ही सारा दिन गुजर जा गुज़रते जा रहे थे तो इसलिए वीडियो मेरी अपलोड नहीं हो सकी यहाँ पे मैं कर रही थी ये वीडियो बेसिकली है चांद रात की ये एक तो मैंने पिज्ज़ा बनाया था जिस दिन लास्ट रोज़ा था और उसके बाद मैंने कुछ तैयारी की थी ईद के लिए मैंने दो तरह से ब्राउनी बना के रखी थी इसके अलावा मैंने केक रस बनाए थे और बाकी चीज़ें जो मैंने ईद वाले दिन की थी वो मैं आपको दिखाती हूँ किचन में काम करते हुए टाइम का पता बिल्कुल नहीं चलता थकावट तो हो जाती है लेकिन खुशी उससे ज़्यादा होती है कि जब आप अपने हाथ से खाना बनाते हैं टेबल को सेट करते हैं और जब मेहमान आके आपकी तारीफ़ करते हैं तो फिर आपको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे ये मैं केक क्रस के लिए केक मैंने बेक कर लिया था और मैं उसकी कटिंग कर रही थी मेरे केक रस इस दफ़ा बहुत मज़े के बहुत क्रिस्पी बने थे यहाँ पे मैंने जो मेरा कुकिंग का काम था वो मैंने ख़त्म करने के बाद मुझे जाना था अपनी फ्रेंड के घर मेहंदी लगवाने के लिए मैं वैसे काफ़ी जब से मैं जर्मनी आई हूँ मैं मेहंदी वगैरह नहीं लगाती लेकिन अब माशाला मेरी बेटी भी बड़ी हो रही है तो उसको भी शौक है मेहंदी लगवाने का तो उसने मुझे कहा था कि मामा हमने मेहंदी लगवानी है तो फिर मेरी फ्रेंड ने हम लोगों को इनवाइट किया था कि आप लोग मेरे पास आना और मैं आप लोगों को मेहंदी लगाऊंगी तो बड़ा अच्छा एक माहौल बन गया था और हम सब लोगों ने चांद रात को बहुत इंजॉय किया था ये मैं अपनी फ्रेंड के घर आ गई थी और उसने जो है वो हम सब लोगों को मेहंदी लगाई थी इसके अलावा स्किन केयर की थी पॉलिशर किया था और बस वो एक माहौल जो पाकिस्तान में बनता है ना चांद रात में कि सब अपनी स्किन केयर भी कर रहे होते हैं मेहंदी लगा रहे होते हैं चूड़ियाँ पहन रहे होते हैं बस वैसा ही एक माहौल जो है वो ये हमारे घर में भी बन गया था ये बच्चों ने मेहंदी लगा ली थी और सारे बच्चे बड़े शौक से अपनी मेहंदियाँ दिखा रहे थे और देखें तरह छोटे छोटे से बच्चे हैं और देखिए कितने प्यारे प्यारे से नेल्स लगाए हुए हैं और यहाँ पर मेरी बारी आ गई थी मेहंदी लगाने की अच्छा ज़्यादा आसान लगता है इस तरह मेहंदी लगाना टाइम भी नहीं लगता है और जल्दी लग भी जाती है वरना अगर एक इंसान ने सबकी मेहंदी लगानी हो तो उसको तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाए लेकिन बरह ये मेहंदी काफ़ी खूबसूरत लगी थी इस तरह लगाने के बाद और ये जो डिज़ाइन है ये शीन से मिल जाते हैं हाँ लेकिन मेहंदी शीन की नहीं है उनकी मेहंदी को इतना अच्छा उसका कलर नहीं आता मेहंदी जो है वो कराची की है और ये जो स्टिकर हैं डिज़ाइन के ये आप दो से तीन दफ़ा यूज़ कर सकते हैं धोने के इसको चिपका दें और उसके बाद मेहंदी लगा के उसको आप नीट करें और जब सूख जाती है तो उसको धो दें और उसके बाद उसको जब आप सूखने के लिए रखेंगे तो दोबारा इसका एक प्लास्टिक कवर उसके ऊपर लगा कर रख दें तो ये दोबारा से फिर अगर आपने जब यूज़ करना होगा ये वाला डिज़ाइन तो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर मेरी मेहंदी एक हाथ पर गई थी और तकरीबन तो मेहंदी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में ये सूख गई थी मेहंदी लगाते लगाते बारह बज गए थे और जब मैं घर वापस आई हूँ तो तकरीबन साढ़े बारह बजे का टाइम था और मैं कभी भी इतनी देर तक घर से बाहर नहीं थी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर होते हैं तो नौ बजे उसके बाद घर आ जाते हैं लेकिन चलें कोई नहीं ईद कौन सा रोज़ रोज आती है और यहाँ पे बन गया था हमारा नाश्ता ये दरअसल ईद का दिन है और यहाँ पे बच्चों ने तो देसी नाश्ता करना नहीं था इरफान के लिए और अपने लिए मैंने फ्राई गरम किए थे और एक दिन पहले मैंने पिज्ज़ा बनाया था उसकी डो थोड़ी सी बच गई थी तो फिर दो नान आराम से सुबह नाश्ते में बन गए तो बड़ा मज़ा आता है जब चीज़ बनी हुई फ़्रिज में रखी हो सिर्फ गर्म करके आपने खानी हो अब आ गया था ईदी का टाइम इली चाहिए ये वाला भी नहीं एक मिलेगा ना मेरे क्यों एक एक बस बेटा देखो अब उधर चलें ऐसे मम्मा को दिखाएँ मम्मा को ताईस वीडियो ऐसे दिखाएँ ऐसे करके छोटे बच्चों को ईद लेने का तो बहुत मजा आता है जब हम भी छोटे थे हमें भी बहुत मजा आता था ईद लेने में दी थैंक यू लिया अब ये ये मैं भी में सबको ब्लू देना हाजिर वो वाहिद बचा जिसकी ईदी लेके कभी तसली तो नहीं होती लास्ट ईयर इसका एक डिमांड थी कि उसने फूनसी फाइव फिफ्टी यूरोने हैं और इस दफा उसकी डिमांड थी कि उसने हंड्रेड लेने हैं और कहता मैंने पैसे लेके ना गूगल प्ले कार्ड खरीद लेने है और, और, ले और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में ईदी शीदी मैंने भी अपनी ले ली थी क्योंकि अगर टाइम पे ना ना लो तो बाद में फिर सब भूल भाल जाते कोई देता नहीं है मैंने बनाए थे गोलगप्पे आलू चने की चाट ब्लैक चिनों की चाट बनाई थी इसके अलावा नीमको थी और इसके अलावा कुछ और स्नैक्स वगैरह थे जो मैंने मेरी फ्रेंड ने आना था उसके लिए मैंने यहाँ पे सारा ये अरेंजमेंट उसके लिए किया था और गोलगप्पे वाकई बहुत मज़े के बने थे सबसे पहले इरफान ने अपना शौक पूरा किया था इन्होंने लेके ना अपनी प्लेट सही नीमको चाट वग़ैरह डाल के ना अपने लिए गोलगप्पे की एक प्लेट तैयार की थी जिस तरह पाकिस्तान में मिलते हैं ना सेम वही लुक अपनी प्लेट को इन्होंने दी थी अच्छा हम लोगों के घरों में तो पाकिस्तान में यही होता है कि जब ईद का फर्स्ट डे होता है तो बहुत मज़े मजे के खाने बनते हैं ख़ास तौर पे स्नैक्स में फ्रूट चट बनी हुई होती है दही भले बने हुए होते हैं सात शिर खरमा फिरनी स्वीट में इस तरह की डिशेज़ बनी हुई होती हैं तो यहाँ पे तो खैर इतना ज़्यादा आना जाना नहीं होता है या तो हम लोग गेट टुगेदर कोई रख लेते हैं या ईद के दिन कोई एक दो फैमिली से आ जाती हैं लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगता है ला का शुक्र है ये जर्मनी हाँ बड़ा चलता है हाँ। में हाँ चलता है। ओ हाँ। यहाँ पे मेरी फ्रेंड भी आ गई थी और बच्चों का एक स्टाइल है यहाँ पे बाकी जर्मन के जो बच्चे हैं जर्मन के बच्चे बड़े सब यहाँ पे ओहा इस तरह के वर्ड्स बहुत बोलते हैं तो वो इरफान जो है वो बच्चों के साथ मजाक कर रहे थे तो चलें जी आप लोगों को एक दफ़ा फिर मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी अपने बच्चों की बर्थडे जो मैंने ईद के थर्ड डे की थी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़